हमारे देश में महिला को देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन अगर उसे फांसी देने की बात हो जाए तो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे महामहिम भी एक मिनट के लिए सोच में पड़ जाते हैं। और यही हो चुका है देश के चर्चित शबनम अमरोहा केस में। मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं और आज आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रही हूं जिसका शायद बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था और शायद बहुत सारे लोगों की नींद भी उड़ जाए। आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हाँ, अगर आपको मेरा ये कंटेंट आपको पसंद आए तो आप इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत दिनों से आप मेरे से पूछ रहे थे कि शबनम के केस में क्या होने वाला है। अब धीरे धीरे शबनम फांसी से दूर हो रही है। देश में पहली महिला शबनम को फांसी होगी या नहीं होगी, इसको लेकर के एक नया मोड़ आ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील सहर नकवी ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन को दया याचिका भेजी थी। साथ में उन्होंने ये दलील भी दी थी कि याची यानी कि शबनम को सूली पे लटकाया जाता है तो पूरी दुनिया में भारत की छवि बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ महिलाओं को पूजा जाता है, महिलाओं की इज्जत की जाती है और महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है। महिलाओं को सम्मान देने की और पूजने की पुरानी भारतीय परंपरा है। इस याचिका में वकील ने ये भी कहा कि शबनम की सजा पर वे कोई सवाल नहीं उठा रही हैं, यानी कि उन्हें शबनम की सजा पे एतराज नहीं है, लेकिन उनकी बस एक गुजारिश है कि शबनम की फांसी को सिर्फ उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यपाल ने इसका संज्ञान लिया है। दोस्तों, मैं यही बात आपसे बताने जा रही थी कि राज्यपाल आनंदीबेन ने इसका संज्ञान लिया है और उन्होंने पूरे मामले पे निर्णय लेने के लिए जेल विभाग को ऑर्डर किए हैं, निर्देश जारी किए हैं, और ऐसे में उनसे ये पूछा है कि फांसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला क्या था। हालांकि आप जानते ही हैं कि शबनम और सलीम पर, यानी कि शबनम पर अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने ही परिवार के सात लोगों की हत्या करने का आरोप है। दरअसल शबनम अपने पड़ोस में ही